सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। ऐसा ठीक नहीं है कि हम अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करते रहें और जीना ही भूल जाएं। कोई आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है तो उसे बार बार समझाने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ ना गवाएं। समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात। आज का पंचांग 15 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि रात्रि 10:30 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र सुबह 8:10 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:00 से 12:42 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:55 से 11:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर दोपहर 1:44 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। मकर राशि 15 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार। अभी एक छोटी यात्रा आपकी शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती को सुधार सकती है। लेखन संगीत कला के माध्यम से आत्म अभिव्यक्ति के लिए समय निकालें। अलगाव और अकेले बन का यह चरण अस्थायी है और भविष्य में आपको बेहतर अवसर मिलने वाले हैं। आपके सितारे जीवन को नए जोश और संभावनाओं से भरने वाले हैं। अपने आवेश पर नियंत्रण रखकर आप सफलता और स्थिरता का मजा ले सकते हैं। आज आपकी कुशलता मुश्किलें पैदा कर सकती है, इसीलिए दिल में कोई भी बात ना रखें। आपके एक मिनट के आक्रोश का मतलब है कि आपने प्रसन्नता के 60 सेकंड खो दिए। किसी कार्य को लेकर बार बार व्यवधान आ रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करने में परहेज न करें। इस बार आपको निश्चित ही सफलता मिलने वाली है। कहीं निवेश करने संबंधित योजना बना रहे हैं तो आज का दिन बहुत ही उत्तम है। परिवार संबंधित जिम्मेदारियां किसी के साथ शेयर करेंगे तो बेहतर रहेगा। अभी का समय आपके लिए महत्वपूर्ण है साबित होगा। जिन उद्देश्यों को आप हासिल करना चाहते हैं उनके लिए फोकस बढ़ाने की जरूरत करते रहें। बड़ी प्रगति अचानक से मिल सकती है। काम करते समय कोई समझौता ना करें, इस बात का ध्यान रखना होगा। प्रॉपर्टी में बढ़ रही सकारात्मकता की वजह से आपका तनाव दूर होगा। शरीर में खून की कमी भी हो सकती है, ख्याल रखें। सावधानियां, किसी को पैसा उधार देना पड़ सकता है तो उसकी वापसी जरूर सुनिश्चित कर लें। किसी पारिवारिक सदस्य की स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें, उनकी संगत करने से आपकी भी मानहानि हो सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने साथी से बढ़ते नजदीकियों के कारण आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप स्वर्ग में हैं। बेहतरीन रोमांटिक जीवन के लिए एक दूसरे से अपने विचारों को शेयर करें। नृत्य संगीत या कला से भी भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है। छोटी यात्राओं की संभावना है। आज आप भावनात्मक स्थिरता का आनंद लेंगे क्योंकि आप अपने साथी से नजदीकियां महसूस करेंगे। शांतिपूर्ण रोमांटिक जीवन के लिए आपने अपने प्रेमी से विचारों को साझा करें। नए रिश्ते के बारे में अपनी उग्र भावनाओं को दबाए रखें और शांत रहें। आगे की योजना बनाए। रिश्ता दिल से होना चाहिए शब्दों से नहीं और नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए मन में नहीं। बात करते हैं करियर की। सेवाओं की मार्केटिंग के लिए उपयुक्त है। संगीत नृत्य या प्रदर्शन कला के माध्यम से आप लोगों के बीच में पहचान बना सकते हैं। छोटी बहनों की मदद नहीं मिल सकती। सफलता का स्वाद लेने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें और अपनी सोच को बढ़ाएं। आपके सितारे आज आपके लिए रोचक संभावनाएं लेकर आए हैं। आप अपनी सफलताओं का आनंद लेंगे और नई तकनीकें आपकी परिकल्पना को और भी मजबूत बनाएगी। आज अतिरिक्त आय के भी मौके आपको मिल सकते हैं। याद रखें, विजय और धन प्राप्ति आपकी मेहनत निर्भर करते हैं, इसलिए मेहनत को अपनी प्राथमिकता बनाएं। बात करते हैं सेहत की। खांसी जुखाम और बुखार जैसी समस्या रहेगी, लापरवाही ना करके उचित इलाज अवश्य लें। शरीर में खून की कमी भी हो सकती है, ख्याल रखें।
आज का उपाय। आज आप माता लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और फूल पत्र चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।